एक बार एक परेशान शिष्य अपने गुरु के पास जाता है और उनसे कहता है, गुरुदेव मैं बहुत परेशान हूँ। मैं जब भी किसी नई आदत को अपनाने की कोशिश करता हूँ तो शुरुआत के दो चार दिन तो मैं अपनी नई आदत का पूरे नियम के साथ पालन करता हूँ, लेकिन कुछ दिनों बाद मैं फिर से अपनी पुरानी वाली आदतों पर वापस लौट आता हूँ। पता नहीं क्यों मैं चाह कर भी अच्छी आदतें डाल नहीं पा रहा हूँ। कृपया कर आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं किसी भी आदत को आसानी से अपना सकूं। गुरु ने कहा, पहले तो तुम ये समझो कि आदतें हैं क्या। जब हम किसी व्यवहार को बिना किसी खास वजह के दोहराते रहते हैं तो उसे आदत कहा जाता है। यानी कि जब हम किसी काम को बिना किसी सोच विचार के लगातार कर सकें तब वह काम हमारी आदत कहलाती है। जैसे कि बेवजह खाने की आदत। आदतों के पड़ने का एक ही तरीका है और वो है बार बार दोहराना। आदतें अच्छी हों या बुरी वो हमारे अंदर केवल इसीलिए हैं क्योंकि हमने उनको बार बार दोहराया है। गुरु ने आगे कहा, तुमने देखा होगा कि बुरी आदतें अपने आप पड़ जाती हैं, जबकि अच्छी आदतों को डालने के लिए हमें लगातार और लंबे समय तक प्रयास करना होता है। और इसका कारण है हमारा मन। इंसानी दिमाग ने समय के साथ खुद को ऐसे विकसित किया है कि यह किसी भी प्रकार के दर्द, जिम्मेदारी और परेशानी से बचने की कोशिश करता है और उन कामों को आसानी से अपना लेता है जिन्हें करने में इसे आनंद आता है, आराम मिलता है और जिनके परिणाम इसे तुरंत मिल जाते हैं। क्योंकि गलत काम करने में मन को मजा आता है और उसके परिणाम भी इसे तुरंत मिल जाते हैं, इसीलिए ये उसकी तरफ आकर्षित होता है और उन्हें आसानी से अपनी आदत बना लेता है, जैसे जुआ खेलना और धूम्रपान करना। लेकिन क्योंकि अच्छे और सफलता के कामों के लिए इसे काफ़ी सोच विचार, लगन और काम के परिणाम का लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है, इसीलिए ये ऐसे कामों से बचने की कोशिश करता है और इन्हें आसानी से अपनी आदत नहीं बनाता। शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैं यह तो समझ गया कि आदतें क्या हैं और बुरी आदतें आसानी से क्यों पड़ जाती हैं, लेकिन हम ऐसा क्या करें कि हमारा मन अच्छी आदतों को भी बुरी आदतों की ही तरह आसानी से अपना ले। गुरु ने कहा, इसके लिए हमें मन की सबसे बड़ी कमजोरी का फायदा उठाना होगा। शिष्य ने कहा, कौन सी कमजोरी? गुरु ने कहा, हमारा मन हर चीज़ में मजा ढूंढता है। उस आदत को जिसे हम अपनाना चाहते हैं अगर किसी तरीके से उसे ऐसा बना दिया जाए कि उसे करने में हमारे मन को मजा आने लगे तो हमारा मन आसानी से उस आदत को अपना लेगा। शिष्य ने कहा, लेकिन ऐसा कैसे किया जाए? गुरु ने कहा, इसके लिए आज मैं तुम्हें 5 ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ जिनका उपयोग करके तुम किसी भी आदत को आसानी से अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हो। गुरु ने कहना शुरू किया, पहली चीज है स्पष्टता। हम ज़्यादातर आदतों को सिर्फ इसलिए नहीं अपना पाते क्योंकि उन्हें कैसे अपनाना है इसको लेकर हमारे अंदर पूरी तरह से स्पष्टता नहीं होती। हमारे मन को वो रास्ता नहीं पता होता जिस पर चलकर उसे उस आदत को अपनाना है। जिस प्रकार गणित के प्रश्न हल करने वाले किसी छात्र को अगर अच्छी तरीके से ये समझ नहीं आता कि इस प्रश्न को हल करने का तरीका क्या है तो उसे उस प्रश्न को हल करना बोझिल मालूम पड़ेगा और वो उन्हें करने से दूर भागेगा। लेकिन अगर उसी छात्र को ठीक से ये समझ आ जाए कि प्रश्न को हल करने का सही तरीका क्या है तो उसे उन्हीं प्रश्नों को हल करने में मजा आने लगेगा। ठीक इसी प्रकार हमारे मन के साथ भी होता है। अगर उसे ये स्पष्ट हो जाए कि किसी आदत को अपनाने के लिए उसे क्या क्या करना है तो फिर वो इसी प्रक्रिया में खुद के लिए मजा ढूंढने लगेगा। और मन को स्पष्टता देने का सबसे अच्छा तरीका है कि किसी भी आदत को अपनाने के लिए आपको जो कुछ भी करना पड़ेगा उसे स्पष्ट रूप से लिख लें। जैसे कि अगर आपको अपने मन को शांत रखने की आदत डालनी है तो आप हर छोटी से छोटी चीज़ को स्पष्ट रूप से लिख लें। जैसे कि आप रोज़ सुबह 5 बजे उठेंगे, रोज़ 20 मिनट ध्यान करेंगे, ज़्यादा बोलने से बचेंगे, कुछ समय एकांत में गुजारेंगे, ऐसे लोगों से दूर रहेंगे जो आपके मन में अशांति उत्पन्न करते हैं। लिखने से वो रास्ता जिस पर मन को चलना है वो उसके लिए एकदम स्पष्ट हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले अपने मन को वो स्पष्ट रास्ता दो जिस पर चलकर उसे किसी आदत को अपनाना है। गुरु ने कहा, दूसरी बात वो कारण पता करो कि आखिर तुम इस आदत को क्यों अपनाना चाहते हो। कारण जितना बड़ा होगा आदत उतनी ही जल्दी और आसानी से पड़ जाएगी। जैसे कि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा बीमार है और वैद्य ने कह दिया कि तुम्हें रोज़ सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर पैदल चलना होगा,
वरना तुम्हारी हालत ठीक नहीं होगी और तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। तो फिर वो इंसान चाहे कितना ही बड़ा आलसी क्यों ना हो, वो रोज सुबह सूर्य उदय से पहले उठने की आदत डाल ही लेगा, क्योंकि यहाँ कारण बहुत बड़ा है, बात उसकी जान तक आ चुकी है। इसीलिए अपनी आदत को किसी बड़े कारण से जोड़ो कि आप इस काम को क्यों करेंगे। दोस्तों, अगर आप भी अपने वाई को नहीं ढूंढ पा रहे कि आखिर आप किसी काम को क्यों करना चाहते हैं, फाइनली आप इससे क्या हासिल करेंगे, तो आपके स्ट्रॉन्ग वाई को ढूंढने में आपकी मदद करेगी एक बुक जिसका नाम है फाइंड योर वाई। और अगर आप चाहें तो इस बुक की हिंदी में बुक समरी भी सुन सकते हैं कुकू एफएम ऐप पर। जिनको नहीं पता, कुकू एफएम ऑडियो लर्निंग का एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप हजारों किताबों को ऑडियो फॉर्म में सुन सकते हैं, वो भी अपनी मनपसंद लैंग्वेज में। नॉर्मली इस प्लेटफॉर्म के एक साल का सब्सक्रिप्शन पड़ता है 399 रुपीज का, लेकिन अगर आप यूज़ करते हैं कूपन कोड WI50 तो आप में से पहले 250 लोगों को ये पड़ेगा सिर्फ 199 रुपीज में, वो भी पूरे एक साल के लिए। ऐप को डाउनलोड करने की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट पर मिल जाएगी। गुरु ने कहा, तीसरी बात, आदतों को आसानी से अपनाने के लिए समझो दर्द और मजे का नियम। किसी भी काम में हमारा मन दर्द को कम से कम और मजे को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहता है। असल में ये दर्द और मजे का नियम ही है जो हमारी आदतों को चलाता है। जिस काम में मन को दर्द ज़्यादा और मज़ा कम मिलेगा, उस काम को करने की आदत मन कभी नहीं डालेगा, और इसका उल्टा भी उतना ही सही है। तो फिर इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है कि जिस काम को करने की आदत हम डालना चाहते हैं, अगर हम किसी तरीके से उसे ऐसा बना दें कि मन को उस काम से मिलने वाली खुशी उससे मिलने वाले दर्द से ज़्यादा बड़ी लगने लगे, तो मन उस काम को आसानी से अपना लेगा। और ऐसा हम तीन तरीकों से कर सकते हैं। पहला है शरीर के स्तर पर। इस बारे में लगातार सोचो कि अगर मैं इस काम को करने की आदत डाल लेता हूँ तो इसके बाद मैं क्या बन जाऊँगा, मैं कैसा दिखने लगूँगा, मैं इस बीमारी से छुटकारा पा लूँगा। ये सब सोचकर, इसके सपने देखकर आपके मन को जो खुशी मिलेगी, जो उत्साह मिलेगा, वो इस काम से मिलने वाले दर्द से कहीं अधिक बड़ा होगा, और आपका मन आसानी से उस आदत को अपना लेगा। जैसे कि जो इंसान रोज़ सुबह कसरत करता है, वजन उठाता है, उसे भी दर्द होता है, लेकिन उसके मन ने उस खुशी को महसूस कर रखा है जो कसरत करने के बाद उसे मिलती है, जो उसे खुद का मजबूत और सुडौल शरीर देखकर मिलती है, लोगों की तारीफ सुनकर मिलती है। क्योंकि यहाँ मन को मिलने वाली खुशी दर्द से ज़्यादा बड़ी है, इसीलिए मन इस आदत को नहीं छोड़ना चाहता। गुरु ने आगे कहा, दूसरा है धन संपदा के स्तर पर। अगर तुम कोई ऐसी आदत डालना चाहते हो जिससे तुम्हारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, तो लगातार अपने मन को यह याद दिलाते रहो कि इस आदत को अपनाने से तुम्हारे पास कितना धन आ जाएगा, तुम्हारा जीवन कितना आसान हो जाएगा, समाज और लोगों के बीच तुम्हारी इज्जत कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जब मन इस आदत से मिलने वाली खुशी को महसूस करने लगेगा, तो वो इस आदत को भी अपनाना शुरू कर देगा। तीसरा, मन के स्तर पर। अगर तुम कोई ऐसी आदत अपनाना चाहते हो जिससे तुम्हारे जीवन में शांति और स्थिरता आए, जैसे कि योग, ध्यान इत्यादि, तब भी तुम लगातार मन को याद दिलाओ कि इस आदत को अपना लेने से तुम कितने शांत और खुश महसूस करोगे, तुम तनाव, चिंता और ज़्यादा सोचने जैसी समस्याओं से छुटकारा पालोगे, तुम्हारा व्यक्तित्व कितना निखर जाएगा और तुम कितने प्रभावी और गंभीर व्यक्ति प्रतीत होगे। अगर साधारण शब्दों में कहें तो जिस भी आदत को डालना है उससे मिलने वाले परिणामों के बारे में सोचना शुरू कर दो। गुरु ने आगे कहा, चौथी बात, ज़्यादातर लोग नई आदतों को सिर्फ इसलिए नहीं अपना पाते क्योंकि वे शुरुआत में ही बड़े बड़े लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं। जैसे कि अगर किसी बुरी आदत को वो पिछले 10 साल से दोहराते आ रहे हैं, तो वो उसे अगले कुछ दिनों में ही पूरी तरह से छोड़ने की कोशिश करते हैं, जो कि ज़्यादातर मौक़ों पर संभव नहीं है। इसीलिए किसी भी नई आदत को अपनाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं, क्योंकि अगर तुमने अचानक से बड़े बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए तो तुम्हारे मन को उस काम से दर्द महसूस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मन शुरुआत में ज़्यादा बड़े बदलावों के लिए तैयार नहीं होता। छोटे छोटे बदलाव करने से मन ज़्यादा दर्द भी महसूस नहीं करता और उसे यह सोचकर खुशी भी मिलती रहती है कि वो रोज़ कुछ ना कुछ कर रहा है। इसीलिए किसी भी नई आदत को टुकड़ों में तोड़कर अपनाएं। जैसे कि अगर तुम हर रोज़ 1 घंटे किताब पढ़ने की आदत डालना चाहते हो, तो शुरुआत 1 पन्ने से करो और हर रोज़ 1 नया पन्ना बढ़ाते चले जाओ। महीने भर बाद तुम 1 घंटे से ज़्यादा किताब भी पढ़ रहे होगे और इस आदत को अपनाने में तुम्हें ज़्यादा परेशानी भी नहीं हुई होगी। गुरु ने कहा, पांचवी बात, आसपास का माहौल। हमारी ज़्यादातर आदतें वही होती हैं जो हमारे आसपास के लोगों की होती हैं। कोई भी इंसान आंतरिक रूप से सबसे ज़्यादा अपने आसपास के माहौल
और लोगों से ही प्रभावित होता है। इसीलिए तुम जो भी आदत अपनाना चाहते हो तो ऐसे लोगों के साथ समय बिताना शुरू कर दो जिनके अंदर वो आदतें पहले से ही हैं। केवल उस आदत के माहौल में रहने से ही तुम बिना किसी ज़्यादा मेहनत और परेशानी के किसी भी अच्छी आदत को बड़ी आसानी से अपना सकते हो, क्योंकि आदत के माहौल में रहने से हमारा मन खुद को उसके हिसाब से ढाल लेता है और समय बिताने की वजह से मन को यह स्पष्ट रूप से पता होता है कि इस आदत को कैसे अपनाना है और इसमें कितना दर्द और आनंद है। इसीलिए अपने आसपास के माहौल को अच्छा करने की कोशिश करो, और अगर नहीं कर सकते हो तो उस चीज़ से जुड़ी किताबें पढ़ना शुरू कर दो जिस चीज़ को तुम अपनी आदत बनाना चाहते हो। गुरु ने आगे कहा, एक आखिरी बात और, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत सी पुरानी बातों, यादों और आदतों को अपने अंदर भर के रखता है, इसीलिए किसी नई आदत को अपनाना इसके लिए आसान नहीं होता। तो इस चीज़ को आसान बनाने के लिए हमें हमारे मन को खाली करना होगा, इसके अंदर के फालतू के विचार और कचरे को साफ करना होगा, और यह चीज़ संभव है लगातार ध्यान और आत्मनिरीक्षण से। इसीलिए तुम रोज़ ध्यान करने और कुछ समय एकांत में बैठकर आत्मनिरीक्षण करने की भी कोशिश करो। इतना कहकर गुरु ने अपनी बात समाप्त की और मौन हो गए। शिष्य ने इस सीख के लिए गुरु का धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अपने किसी भी काम का एक स्ट्रॉन्ग वाई फाइंड करने के तरीके को जानने के लिए आप कुकू FM पर फाइंड योर वाई बुक की हिंदी में बुक समरी सुनना ना भूलें, और 50% डिस्काउंट के लिए आप WI50 कूपन कोड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।